कौन जनाब हाफिज कादम हुसैन रिजवी साहब के सामने खड़ा हूँ और इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले दिनों देखा कि एक काफिला तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह का इस्लामाबाद की रवाना था, लेकिन आप उसमें मौजूद नहीं थे, इसकी क्या वजूहत थी, आप में क्या इख्तलाफ है दोनों में? उनकी इख्तलाफ नहीं है, हमने पिछले जो ऐलान किया इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। जी मैं जलाली साहब से भी मेरी बात हुई और आपसे भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप इकट्ठे क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, क्योंकि आपकी एक ही लग है, कोई दूसरी मसलक नहीं, सिर्फ सुन्नी और सुन्नी ही आपका दस्त बाजू है, फिर आप इकट्ठे कहीं नहीं क्यों नहीं हो सकते? इंशाल्लाह 7-6 तारीख को दुनिया देखेगी प्रोग्राम के अंदाज से लेकर। जी मेरा दूसरा साहब ये गुजारिश है कि 6 नवंबर को आप जा रहे हैं, आपके मुतालबात बुनियादी तौर पे क्या मुतालबात हैं? मुतालबात यही है कि हमने सबसे नबूवत पर डाका डाला, उन लोगों को सामने किया जाए, सामने लाया जाए और जो शरी सजा उनकी बनती है उनको सजा जो है वो दिलवाई जाए और मुल्क के अंदर इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें हैं वो बम की जाए और खत्म नबूवत के मुनकरीन की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनको मागूब किया जाए और वजीर मुशीर बनाने से पहले उनकी कोई इस्लामी तालीमात जो है उनके निसाब बनाया जाए। एक वजीर कानून को ये भी नहीं पता कि उनके खत में नबूवत उसको गैर मुस्लिम नहीं समझे, वो बताए वो कौन से उलमा है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, खुद उसे भी बात करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं। जी मैं आखिरी अलामा साहब आपसे गुजारिश करूंगा, क्या आप मुतालबात के लिए जिन मुतालबात के जिन आपके जेन्युइन मुतालबात हैं कि पूरा पाकिस्तान बेशुमार लातादाद लाखों कुर्बानियों के बाद ये कलमा तैयबा पे वजूद में आया, तो कायदीन का हमारे आइन में कहा गया है कि वो काफिर है, तो फिर उन्होंने जिस मसले को छेड़ा है, अगर ये मसले को वो कामयाब ना हुए तो क्या आप अलामा ताहिरुल कादरी की तरह वापस मुड़ जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? मैदान में खड़े होने वाले लोग हैं, लोगों ने देखा है नामों से रिसालत के मसले में भी और इंशाल्लाह खत्म नबूवत के मसले में जैसा 11 घंटे जनाब इसमें दोपहर बैठे रहे और बैठ के नारे लगाते रहे और उस रात मैंने अल्लाह रसूल के फजल करम से ये कह दिया था कि आपको वापस लेना पड़ेगा, जो हम वापस ले रहे हैं इंशाल्लाह।